गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो फ्रेंड्स, हम स्पीडी के करंट अफेयर्स की बात कर रहे थे। सो आज की वीडियो में हम साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। बोत्सवाना में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े हीरे की खोज देवस्वाना डायमंड कंपनी द्वारा की गई है, जिसका नामकरण अभी नहीं किया गया है। नासा ने शुक्र ग्रह के वातावरण के जांच के लिए दो नए मिशन डेविसी प्लस और वेरिटास को वर्ष 2028 तथा 2030 के बीच भेजे जाने की घोषणा की है। दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट असम में लगाया गया है। भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में स्वदेश निर्मित तीन उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH-MK-3 शामिल किए हैं, जिसे विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना डेगा में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए इंटरपोल ने आई फैमिलिया नामक एक वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है। भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत 2022 में कमीशन किया जाएगा। न्यूजीलैंड ने 2021 के अंत तक दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह विसा वुडसैट को लॉन्च करने की घोषणा की है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन वर्ष 2030 तक भेजने की घोषणा की है। ट्विटर ने टिप जार फीचर के लिए पहले भुगतान ऑपरेटर रेज रपे के साथ साझेदारी की है। गूगल ने दुनिया की सबसे लंबी अंडरसी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है, जिसका नाम फिर्मिना रखा गया है, जो अमेरिका को अर्जेंटीना से जोड़ेगा। नेक्स्ट है, चीन ने वर्ष 2023 में अपना पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना बनाई है। गुजरात की केवड़िया को देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। हाल ही में तटरक्षक अब तटीय गश्ती पोत सजग को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल द्वारा भारतीय सेना में कमीशन किया जाएगा। अमेरिकी एजेंसी नासा मिशन आर्टेमिस के तहत वर्ष 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की गई है। इसके रोवर का नाम वाइपर है। हाल ही में CSIR ने पानी को कीटाणु रहित करने के लिए स्वास्तिक नामक नई तकनीक की खोज की है। हाल ही में WHO ने भारत में पाए गए कोरोना वायरस के दो वेरिएंट B1.617.1 तथा B1.617.2 को क्रमशः कप्पा और डेल्टा नाम दिया है। हाल में ही चीन ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है। मणिपुर राज्य सरकार द्वारा ताज़ी सब्जियों के होम डिलीवरी के लिए मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी किया गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों की शिपमेंट के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 शुरू किया है। हाल ही में स्कॉर्पियन पनडुब्बी साइलेंट किलर INS करंज भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। सौर फोटोवोल्टिज FV मोर्चे पर असाधारण प्रदर्शन के कारण भारत EY के अच्छे ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका का उद्घाटन पुर्तगाल देश में किया गया है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे छोटे ज्ञात ब्लैक होल की खोज की है, जिसका नाम यूनिकॉर्न रखा है। हाल ही में मेघालय के पश्चिम खासी हिल्स जिले के पास सौरोपॉड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं। मेफ्लोर 400 दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने सोयाबीन की एक नई किस्म का विकास किया है, जिसका नाम मैक्स 1407 है। हाल ही में ईरान ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमोर्ग विकसित किया है। हाल ही में भारतीय खगोल वैज्ञानिकों ने एक दुर्लभ सुपरनोवा विस्फोट की निगरानी कर वुल्फ रेयट नाम के तारे का पता लगाया है।
हाल में ही तमिलनाडु राज्य में खोजी गई नई चीरी प्रजातियों का नाम प्रोफेसर अमित जोशी के नाम पर रखा गया है। हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 45,696 करोड़ की लागत से भारतीय वायुसेना के लिए 83 हल्के लड़ाकू विमान तेजस की खरीद हेतु मंजूरी प्रदान की है, जिसकी खरीद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से की जाएगी। हाल ही में शोधकर्ताओं ने केरल स्थित एराविकुलम नेशनल पार्क से पिग्मी ग्रास हॉपर की एक नई प्रजाति की खोज की है। हाल ही में हैदराबाद स्थित नेहरू जूलॉजिकल पार्क को मिला ISO सर्टिफिकेशन। कोलकाता के गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा प्रोजेक्ट 17A जहाज़ों में से पहले जहाज हिमगिरी का जलावतरण किया गया। हाल ही में जारी सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों को टॉप 500 सूची में भारत का A1 सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि 63वें स्थान पर है। हाल ही में अमेरिकी एरोस्पेस निर्माता SpaceX ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा है। हाल ही में भारतीय नौसेना में पनडुब्बी भेदी युद्धपोत INS कवारत्ती शामिल किया गया है। 22 अक्टूबर 2020 को टैंक रोधी मिसाइल नाग का अंतिम परीक्षण राजस्थान के पोखरण में संपन्न हुआ। हाल ही में नासा द्वारा चंद्रमा का पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए नोकिया नेटवर्क का चयन किया गया। हाल ही में नासा ने शुद्र ग्रह वेनु से नमूने इकट्ठे करने के लिए OSIRIS-REx अंतरिक्ष यान भेजा था। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच।